नमस्कार चिल्ड्रन, आज हम लोग मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य अपना अर्थ पूरा देने में सक्षम नहीं होता, उसका अर्थ पूरा करने के लिए एक आश्रित उपवाक्य लगाना पड़ता है। जैसे मुझे मालूम है, अब मुझे क्या मालूम है ये बताने के लिए एक और वाक्य लगाना आवश्यक हो जाता है। जैसे मुझे मालूम है कि 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, मुझे मालूम है जून में स्कूल खुलेंगे, या मुझे मालूम है कि इस गांव में देवी का मंदिर है। तो मुझे क्या पता है इस बात को पूरा अर्थ देने के लिए एक और वाक्य लगाने की आवश्यकता होती है। दूसरा उदाहरण, पिताजी ने वह मकान बेच दिया। अब पिताजी ने कौन सा मकान बेच दिया, जो दादाजी ने पिताजी को दिया था, या पिताजी ने अभी कुछ समय पहले ही उसे ख़रीदा था, या वह मकान जो बहुत पुराना हो चुका था। तो ये अर्थ पूरा करने के लिए कि कौन सा मकान था वो, तो ये हमको एक सेंटेंस लगाना पड़ा जो पुराना हो गया था। तो इसी प्रकार आश्रित उपवाक्य को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य।